चाल शोभा यात्रा निकाली गई। शिव बजरंग दल ने भी हिस्सा लिया। दल के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम धार धार हथियार लहराए और शस्त्र शक्ति प्रदर्शन किया। अच्छा शुरू से ओके। लखन चचा ठीक कहते थे, ये हजारी बाग हो अब हो तो मैटर। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और मैं हो रहा हूं घर पे बोर, तो आज हम करेंगे सिर्फ सोलो ट्रैवल। तो कोई भी फ्रेंड वगैरह कोई नहीं, अकेले ही ट्रैवल करेंगे और आज पूरा घूमेंगे एकदम बाइक में और पूरा मजा करेंगे। तो चलो बने रहो इस ब्लॉग में और करते हैं मस्ती। गाइस, अभी हम बड़ा खाड़ा के पास से पार हो रहे थे और यहाँ पे देखा तो नज़ारा ही कुछ और था। सौर यात्रा निकाली गई है हमारे सर हजारीबाग में, तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि कैसा व्यू है। चलो अभी देखो। गाइस देख रहे हो यार भीड़, उधर से पूरा साउंड वगैरह आ रहा है। अभी चलो अंदर जा करके हम लोग देखते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सौर यात्रा को निकालने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से गाँव से आए हैं। गाइस, अभी ये साउंड सेटअप है और इसी को लेकर के पूरा एकदम हजारीबाग शहर में घूमने वाले हैं। मैं दिखाता हूँ सामने से, तो कुछ ऐसा सेट है। ये रहा सेट। चलिए शुरू करते हैं। राम भरोसे सांस चले, राम भरोसे चले कलम, राम कथा को लिखता हूँ मैं राम ही जाने।
जाने मेरे करम राम बसे है दिल में मेरे राम बसे लिखाई में राम भक्ति बनूंगा मैं ले लूं चाहे लाख जन्म आके कभी शायर की किताबें जो तुम खोलोगे राम कथा के छंदों में तुम नाम मेरा टटोलोगे माना ना महान मैं जैसे राम दूत के राम बसे है पर दिल के सारे कोनों में भार पड़ा दुखों का हल्का तेरा जीव भी प्रभु ये उठा लो भार जैसे हाँ संजीवनी औरों पे भरोसा ना तुमसे है उम्मीद पर नाम तेरा छपे पापी मेरी जीव भी साफ होगा दिल ना मेरा गंगा जल जो पी लूं मैं काले युग में रह के भी देता थोड़ा जी लूं मैं खून जो बहा डाला तो दिखेगा वो मैला ही काले युग का प्राणी हूँ तो छाती क्या ही चीरू मैं अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझ है अवद बिहारी तुम पर रीझ है अवद बिहारी भक्ति भाव से जाऊं तो है कर दुखों से पार पवन सुत बिनती बारंबार पवन गाइस तो जो अभी हमारे बजरंग दल वाले हैं ये जुलूस को लेकर के पूरे हजारीबाग शहर में घूमेंगे और सौर्य यात्रा को पूरा कंप्लीट करेंगे और ये फिर शाम तक होते होते ये वापस से आपका बड़ा खड़ा के पास जा करके समाप्त हो जाएगा पूरा जुलूस और कुछ ऐसा ही था। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि क्या बोलें कि मिनी रामनवमी स्टार्ट हो गया यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था ना यहाँ पे भाई पब्लिक का तो क्या ही बोलें आप आपने देखा ही होगा इस ब्लॉग में। और अभी हम आए हैं लाइफ केयर हॉस्पिटल में तो वहाँ पे मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया था बिना और उसका कुछ काम था यहाँ पे तो अभी यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा घर के लिए। तो यहाँ पर आकर के उसको पिक करना था तो ये तो क्या लिया भाई घड़ी है तेरी के टाइटन्स का तो ये लेने हम लोग आए थे इसके साथ। तो अभी चलो निकलते हैं यहाँ से। मेरा शुरू से प्लानिंग था कि सोलो घूमूंगा इधर उधर और व्लॉगिंग करूंगा लेकिन बट ऐसा चीज़ देख लिया कि अब वहीं पे जाकर के व्लॉगिंग करने लगा तो अभी यही था और मैं पहुंचाऊँ घर अभी। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ एडिटिंग ही कर रहा था तो अभी इसे कर लेते हैं कंप्लीट और इसे आप तुरंत देखिएगा अभी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।